अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के सप्ली का पेपर था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सप्ली का पेपर दिया। मैंने जो आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था अपने चैनल के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से एक एक सवाल आपके इस सप्ली के पेपर में बन कर के आया है। ठीक है, चलो आज जो सप्ली के एग्ज़ाम जो आपके हुए हैं इम्प्रूवमेंट के, तो इसके देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से MCQs ठीक हुए हैं। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। सबसे पहला हमारे पास MCQs लिखा हुआ है, इफ़ जेड इज इक्वल टू 2 + iota देन जेड का कॉन्जुगेट हमारे पास किसके बराबर होगा, जेड का मॉडुलस किसके बराबर होगा, √5 के बराबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, अगर आप प्रोडक्ट लो किसी भी दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपके पास हमेशा क्या बन कर के आता है, रियल नंबर बन के आता है। द स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ द हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा, जब आपने बताना है, जब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, जब ए का आप क्या ले लो स्टूडेंट, कॉन्जुगेट ले लो एंड देन उसका ट्रांसपोज ले लो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाए, दोबारा से ए आ जाए, तो डेट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। लिखा हुआ है, इफ़ ए जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स देन द को फैक्टर ऑफ द आई जे इज इक्वल टू, आपने ये बताना, तो इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, माइनस का आई प्लस जे और एम आई जे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ए इसका ए देन ए की वैल्यू निकालना है 5 में, तो सिंपल से आपने ए को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 20 से करोगे, 0 हो जाएगा तो ए 7 हो जाएगा, और 2 को 9 से 18 से करोगे, और 1 3 माइनस 3 होता है माइनस का 18, माइनस का 9 इज 21, और 7 डिवाइडेड बाई 21 इज 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, लिखा जाए द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो अंडर 1/6 से ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई जे माइनस के, तो स्टूडेंट मेरे पास जिसका ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1/√3 माइनस का 1/√3, 1 माइनस 1 भी हो सकता था, लेकिन ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 8 लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ जीपी, स्टूडेंट आपने मुझे इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका मुझे आंसर बताना ताकि पता चल सके कि आप लोगों ने क्या लगाया, देन मैं आपको इसको कंफर्म करके बता दूंगा। लिखा हुआ है, इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई देन एच, आपके पास अगर हार्मोनिक मीन है एक्स और वाई के दरमियान, तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, 2xy x + y। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एन का क्यूब जो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, एन का स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर ओवर 4। द थ्री डाइस आर रोल इन सिमिलरली देन एन एस इज इक्वल टू 2/16। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। द मिडल टर्म आपने निकालना है, तो मिडल टर्म कैसे निकलेगा, 2n + 1। ठीक है, द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बेटा ये हमारे पास होता है ए के ऊपर होता है n-r और xr। ठीक है, ए बी बी 3x + 1 जो है हमारे पास, ये क्या होता है, रियल नंबर होता है एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए हैं कुछ। उसके बाद इसके में लिखा है कि आप इवन फंक्शन बता दें, ऑड फंक्शन बता दें, इसके अंदर अगर -1 पुट करोगे तो स्टूडेंट आपके पास दोबारा से पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, तो डेट्स मीन इवन नंबर होगा ये। ठीक है, इसमें लिखा है लीनियर प्रोग्रामिंग LP इज यूज टू ऑप्टेन द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के कॉस थीटा के स्टूडेंट। द हीरो फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, ये वाला पार्ट नंबर 6C होता है, और याद रखना a + b + c/2, इससे हम फर्दर इसको निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या स्टूडेंट लिखा हुआ है, सेक इनवर्स माइनस का 1/2 जो है मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2√3। ठीक है, तो ये सारे सवाल आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आपने MCQs का बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन के बारे में बताते हैं स्टूडेंट। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तैयारी करनी है, पीरियोडिक के बारे में बताया था, एक्स विदाउट एक्सपेंशन के बारे में बताया था, ऑर्थोगोनल के बारे में बताया था, ये वाला सवाल ही मैंने दिया था स्टूडेंट। साथ साथ 50 टर्म की रिपीट वाला टर्म भी दिया था मैंने। ठीक है, साथ साथ मैथमेटिकल इंडक्शन दिया था मैंने, नेगेटिव एक्सपेंशन दिया था, बायनोमियल थ्योरम दिया था, साथ साथ ये वाला सवाल भी मैंने अपने गैस पेपर में प्रोवाइड किया था, ये भी प्रोवाइड किया था, ये भी प्रोवाइड किया था स्टूडेंट, और साथ साथ आपके पास ये AB 180 वाला भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, फाइंड ये वाला फंक्शन भी आपको प्रोवाइड किया था, तो बहुत आसान से ही फंक्शन था। ठीक है, लॉन्ग के ना गॉस जॉर्डन मैथड भी बताया था आपको, वेरीफाई करने का बताया था ये वाला सवाल। ठीक है, उसके बाद मार्बल ड्राउन इन द रेड वाइट, ये वाला सवाल भी आपको बताया था, बायनोमियल थ्योरम भी बताया था स्टूडेंट, ये वाला सवाल भी आपके पास आया पेपर के नंबर, जो जो सवाल था वो सारे सवालात मैंने आपको बताए थे, और आपके वही वही सवालात आपके बोर्ड के पेपर्स में बन करके आए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आपके अब ओरिजिनल जो पेपर होगा सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स के जो कल है, तो उसमें मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इंटर का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, बस अल्लाह आपके कामयाब करें और आपके पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से पास करें। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इंटर का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।